ये अपनी देखो, तैयारी की आपको रणनीति बताऊं कि मैंने कैसे शुरू किया था और कैसे जाना था। तो मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे गांव के दो लोग, ठीक है, मेरे रिलेशन में ही मेरे अंकल लगेंगे, वो और एक भैया है, वो दोनों के दोनों आए थे दिल्ली में तैयारी करने, और एक कोचिंग में वो तैयारी करने जाते थे। उस समय ऑफलाइन में कोचिंग हुआ करती थी, बढ़िया नाम था, ठीक है। तो वहाँ वो जाते थे तैयारी करने। अब जब वहाँ वो तैयारी करने जाते थे ना, तो वो मॉक टेस्ट वहाँ का लेकर आए थे, जो संडे को उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट होता था। तो उस टेस्ट को मैंने जब देखा ना, उस समय ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में था सॉरी। तो मैंने जब उस टेस्ट को देखा वहाँ पे, तो मुझे लगा यार ये क्वेश्चन है ना, हो सकते हैं। इंग्लिश मेरे पल्ले पड़ नहीं रही थी, मैथ्स ये था कि हाँ कुछ सवाल मैं बना पा रहा था, रीजनिंग में बना पा रहा था। उस समय ऐसा TCS वाला भौकाल नहीं था कि इस लेवल का पेपर पूछा जाएगा, ऐसा लेवल होगा, हार्ड होगा, ऐसा नहीं था, थोड़ा आसान था उस समय का, मतलब ज़्यादा नहीं, आज से 3 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो पेपर वेपर देखने के बाद मुझे लगा यार गवर्नमेंट जॉब आराम से हो सकता है। फिर उसके बाद है ना, उन इंस्टीट्यूट ने एक पैम्पलेट दिया था, वो बड़ा शानदार था यार, मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। उसमें क्या था कि जब आप वो सारे, मतलब एक तरीके से जो जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का CPO होता है, उसके बाद आपको ट्रैफिक पुलिस का पेपर होता है, कांस्टेबल का पेपर होता है, तो उस सभी पेपर का वो दिया गया था स्ट्रक्चर, कि इसमें Tier 1 था, Tier 2 और ये सारी बातें करके, और उनका सिलेबस दिया गया था। तो उस चीज़ ने है ना मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि यार असल में क्या होता है, आप एकदम बेसिक बच्चे की तरह सोचो। मान लो कि जैसे आप और मैं कहूँ UPSC निकालना है, तो आपको पता भी नहीं है UPSC का सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले क्या रुचि जगाते हो कि यार एक बार इसमें सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस है क्या, समझ के बात को। सिलेबस की जानकारी हो जाती है तब देखते हैं हमारे बस की बात है भी या नहीं भी है, या हमें किसी और एग्ज़ाम को ट्राई करना चाहिए। तो वो सिलेबस देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं, मैं कर सकता हूँ आराम से, 1 या 1.5 साल की मेहनत है, कोचिंग लेंगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि ये तैयारी को हम लेकर कैसे जाएं, और दूसरी बात यहाँ पर इस तैयारी के दौरान मोटिवेटेड कैसे रहें। तो हमने CGL में जो है पूरा एक mrunal.org करके एक वेबसाइट है, उसमें सारे के सारे पोस्ट डले हुए थे कि एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट है, इनकम टैक्स का पोस्ट है, इसका पोस्ट है। वो मुझे देख के और फैसिनेटिंग लगा कि यार यहाँ पर जो है, ठीक है, इससे और बेहतर हम कर सकते हैं, ये पोस्ट के लिए अगर हम तैयारी करें तो लाइफ सेटल हो सकता है। तब हम डेप्थ लेवल पे और गए, और जाने के बाद सिलेबस में एक एक चीज़ को एनालाइज करना शुरू किया कि जैसे मान लीजिए हमारा मैथ्स हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा रीजनिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है आपका GS हो गया, फिर उसके बाद हमारा जो है, ठीक है, चौथा पेपर इंग्लिश हो गया, और फिर अभी के राइट नाउ में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर भी है और टाइपिंग भी है। अब यहाँ पर जो है ना, ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट हो जाते हैं, सारे के सारे पार्ट हो जाते हैं। राइट नाउ अगर कोई फ्रेशर एस्पिरेंट है, कोई नया एस्पिरेंट है, तो उसको क्या क्या तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। आप तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि वाकई में आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो सबसे पहले मेरे भाई आप कोचिंग लेना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास लो, कहीं पर भी लो, मेरे भाई देख लो, आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हो, आप या तो अपनी क्लासेस को जो है YouTube से कर सकते हो, या आप मेरे भाई जो है किसी का एप्लीकेशन से कोई बैच ले सकते हो, या मेरे भाई यहाँ पर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऑफलाइन ले सकते हैं। कारण हम बताते हैं, जो काम आप खुद से सीखेंगे ना, अगर किसी किताब को आप खुद से सॉल्व करने का सोच रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पर आपको क्लासेस काफ़ी शॉर्ट में, काफ़ी कम में जो है सिखा देती हैं। अगर मान लीजिए GS आपसे याद नहीं हो रहा है, आप किसी ऑफलाइन में किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, तो वो उसको कहानी के माध्यम से नरेट करके जो है वो काफ़ी सरल तरीके से मेरे भाई बता देंगे। इससे आपका फ़ायदा यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम समय के अंदर पूरा होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप अपनी क्लासेस एक तरफ शुरू कर दो, दूसरा यहाँ पर ये ध्यान रखो कि जब भी टीचर पढ़ा देते हैं तो उसकी मेरे भाई रिविज़न किया करो यहाँ पर, ठीक है। और रिविज़न करने के बाद आप जो है एक सेल्फ स्टडी का मॉड्यूल बना लो कि यार मुझे है ना सेल्फ स्टडी ऐसे करना है। कम से कम अपना 6 से 8 घंटे का सेल्फ स्टडी का रखा करो, जिसमें सारे सब्जेक्ट बांटो, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, आप उसको बांट लो कि भाई 1 से 1.5 घंटे, एक घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 1 घंटे से कम भी कर सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो, 35 मिनट भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ दीपक सर पढ़ाते हैं बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर, वैसे कर सकते हो। डेली करंट अफेयर करने का फायदा यहाँ पर यह होता है कि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें याद करनी
देखने को नहीं मिलती हैं, और डे बाई डे जो है हमारा नॉलेज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि डेली क्या करना है, तो मेरे भाई करंट अफेयर कर लो। तो यहाँ पर करंट अफेयर के लिए डेली जो है वो यहाँ पर 1 घंटा आप अपना अलॉट कर दो। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा वोकैबुलरी, ये बहुत मस्ट है भाई। ठीक है, देखिए जब भी आप किसी के पास भी कोचिंग लेते हैं इंग्लिश का, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, तो मेरे भाई क्या होता है कि जहाँ पर भी आप कोचिंग लेंगे उसमें वोकैब पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, और एक एस्पिरेंट को अपना वोकैबुलरी खुद करना होता है। आप साइनों की बात कर लो, एंटो की बात कर लो, ईडियम हो गया, वन वर्ड हो गया, स्पेलिंग हो गया, या कोई भी पार्ट हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर ये आपको खुद प्रिपेयर करना होगा, खुद याद करना होगा, कोई हाथ पकड़ के आपको याद कराने नहीं लगेगा। अगर आज मेरी वर्ड पावर 10,000 की है तो ये मैंने खुद बनाया, लेकिन क्या ये एक रात में बन गया? कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना। तो वही वाली बात है, डेली के डेली मेरे भाई वोकैब याद करना शुरू करो। यहाँ पे कुछ लोग, आज एक बच्चा आया ऑफलाइन में, ऐसे दिखा रहा था 20 मिनट फ्रेजल वर्ब, 20 मिनट साइनो, 20 मिनट एंटो, ऐसे नहीं होता है। आप 1 घंटा बांट लो, आज सिर्फ चाहो तो सभी साइनो ही पढ़ लो। कोई भी किताब है, मार्केट में बहुत सारी किताब है वोकैबुलरी की, सब अपने आप में परफेक्ट है, सब ने अपने लेवल पर बेहतर करने की कोशिश की है, बच्चों को समझाने की कोशिश की है। आप ये देख लीजिए कि आपको समझ किससे बेहतर आ रहा है। उसी तरीके से यूट्यूब पर हैं, काफ़ी लोग पढ़ाते हैं, उसमें ये देख लीजिए कि आप किसके साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कि आपको ट्रिक की आवश्यकता है या आप चीज़ों को याद करके बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी तरीका हो, किसी का भी कोई एक किताब पकड़ लीजिए, कोई भी एक वीडियो पकड़ लीजिए और उसको पढ़ना शुरू करिए। और जो मान लीजिए कि कुछ कठिन शब्द हैं आपके ना, तो उसको यहाँ हाथ पर लिख लीजिए। जैसे मैं आज भी हाथ पर लिखता हूँ कई सारी चीज़ें, अब बस प्रोफेशन आ गया है तो हाथ पर ना लिख कर मैं उसको मोबाइल में लिख लेता हूँ, गूगल के नोट्स में। आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि उसको हाथ पर लिख लीजिए, वो कुछ शब्द जो ऐसे होंगे ना, वो मेरे भाई सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के माइंड में घूमता रहेगा। यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।